तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्लास 12th बायोलॉजी से है, जिनका भी इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम 2023 में होने वाला है, तो उनके लिए अध्याय है 12 यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग 29 MBBI, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर साथ ही साथ गेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है, तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप, जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पर बहुत सारे PDF नोट्स और आने वाले PDF नोटिफिकेशन सेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पढ़ के आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग क्विक रिविजन देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आता है, तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 है यहाँ पे जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 आपके समान है, आपके सामने, ठीक है, देखिए किसी हत्या मर्डर, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इनके WBC। क्वेश्चन नंबर 23 है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आपके सामने, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करें, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सुअर, सुअर। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट विजिट करके प्लेलिस्ट भी देख लें, और ये वीडियो जो पढ़ा हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।